मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। आज हमारे पूरे प्रदेश में स्वाभिमान रैली के माध्यम से शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं, आज जिन परिस्थितियों को लेकर शिक्षा मित्र जूझ रहा है, उन समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे और माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम पे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, जिससे हमारी समस्याओं को उन तक पहुंचाया जाए। और ये प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। और अभी कुछ समय पहले यहाँ बरेली की जो ACM फर्स्ट तृप्ति जी थी, उनके द्वारा हमने अपना यहाँ जो शिक्षा मित्र है सबने ज्ञापन सौंपा दिया गया है, जिससे हमारी मांगों को सरकार तक पहुँचाया जाए। जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उनमें शिक्षा मित्र आज लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, 20 वर्षों से मात्र 10,000 में, आज जब उनकी उम्र 40 से 55 वर्ष के बीच में है, 10,000 में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके शादी विवाह, उनके जो माता पिता हैं, उनके मेडिकल संबंधी जो भी खर्चे हैं, उनके अपने खर्चे हों, वो 10,000 में कैसे करके निर्वहन होंगे, इसी को लेकर हमारे कम से कम 6,000 साथी आज काल के काल में समा गए। आर्थिक तंगी से जूझते हुए बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने एक ऐसा कदम चाहे गाड़ी के आगे, या बहुत सारे इस तरह के कदम उठाए हैं जो नई सोसाइटी के, जो उन्होंने नहीं उठाना चाहिए था। तो हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा मित्र जो पिछले 2017 से लेके आज जब समायोजन नष्ट किया गया, तब राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रुपये मानदेय किया गया, तब से आज तक 1 रुपये नहीं बढ़ा है। जबकि पूर्व चुनाव, अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें जितने भी संविदाकर्मी थे प्रदेश के, चाहे वो संविदाकर्मी हो, मानदेय कर्मी हो, सबका आंशिक हो या अधिक बढ़ोतरी सबकी की गई है, लेकिन शिक्षा मित्रों को तब भी छोड़ दिया गया। तो आखिर शिक्षा मित्रों से ऐसी क्या दिक्कत है, जो बेसिक शिक्षा में आज सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक के बराबर बैठ कंधे से कंधा मिला के जो नौनिहाल है उनका भविष्य संवार रहे हैं, और उन परिस्थितियों में उन्होंने विद्यालय को खोला है जब विद्यालय बंद होने के कगार पर है। तो आज हम लोगों की मांग ये कि जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको 12 माह, हम लोगों को मात्र 11 महीने का मानदेय दिया जाता है, जबकि अन्य संविदाकर्मी है उनको 12 माह का मानदेय मिलता है। एक आंगनबाड़ी है उनको भी 12 माह का दिया जाता है, लेकिन शिक्षा मित्र को मात्र 11 माह का। रोजगार सेवक है उनको 12 माह का दिया जाता है, लेकिन शिक्षा मित्र को वही 11 माह का मानदेय पे, और वह भी 10,000 रुपए। एक माह में कहाँ जाएंगे? इसके साथ ही साथ 10,000 रुपए में क्या आज के समय में जो महंगाई बढ़ रही है, क्या जीवन यहाँ पर हो सकता है? तो ऐसे हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगों को राज्य सरकार द्वारा जल्द से जल्द सुना जाए, प्रधानमंत्री जी इसको संज्ञान में ले और शिक्षा मित्रों को भविष्य को भी उज्ज्वल करें। तो यही हमारी मांगे हैं।